सो नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारी HIIEM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम इंडिया। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि इंडिया प्लास्टिक इम्पोर्ट करता है चाइना से, पर ऐसा नहीं है। इंडिया भी 200 करोड़ से भी ज्यादा का प्लास्टिक में एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो आप प्लास्टिक आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे होगी, कितने तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होती है, कहाँ पे क्लाइंट मिलेंगे और कौन सी आइटम प्लास्टिक्स में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कृपा करके ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरा ए से लेके जेड तक नॉलेज मिले प्लास्टिक एक्सपोर्ट के बारे में। जैसे आप इंडिया से प्लास्टिक आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होना जरूरी है, जिसमें IEC सर्टिफिकेट लगता है, GST सर्टिफिकेट लगता है, बैंक अकाउंट लगता है और आपका RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप प्लास्टिक आइटम्स एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो इंडिया से। अभी ये होगी कंपनी बनाने के डॉक्यूमेंट की बात, अभी मैं आपको आगे के डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो आपको ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट लगने वाले हैं। जैसे आप प्लास्टिक आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें इनवॉइस होता है, पैकिंग लिस्ट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, फिर बाय सी एक्सपोर्ट होता है तो आपका बिल ऑफ लेडिंग होता है और शिपिंग बिल फाइल होता है। और कोई भी आपके क्लाइंट को एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे ISO सर्टिफिकेट हो गया, तो भी आपको एज पर द डिमांड योर इम्पोर्टर आपको देना रहेगा, बाकी कंपलसरी नहीं होता। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। अभी आपको मैं डिटेल में लेके जाता हूँ कि प्लास्टिक आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की ओर से आपको RODTEP स्कीम का लाभ मिल रहा है आज के दिन। तो आपका प्रॉफिट अलग, उसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से जो स्कीम्स और बेनिफिट्स के लाभ मिल रहे हैं वो भी अलग एक्सपोर्ट के दौरान। और एक्सपोर्ट में आपको मैं बता दूं, GST नहीं लगता, तो प्लास्टिक में कितने भी परसेंट GST हो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो या तो GST आपका मैन्युफैक्चर ही आपको माइनस करके दे देगा, अदरवाइज आप खुद भी GST अपना वापस क्लेम कर सकते हो। एक्सपोर्ट में आपका GST नहीं लगेगा प्लास्टिक आइटम्स में, और कोई भी आइटम में वैसे GST नहीं लगता एक्सपोर्ट के दौरान। अभी आपको मैं बता दूं इसके क्लाइंट कहाँ पे मिलते हैं। देखो, सबसे अच्छा एग्जीबिशन इसका होता है USA में, चाइना में, UAE में और मलेशिया में, जहाँ पे प्लास्टिक के रिलेटेड आइटम्स के रिलेटेड ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड एक्सपो होते हैं, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे उसको क्वालिटी और जेन्युइन क्लाइंट मिलते हैं। दूसरे रास्ते में B2B प्लेटफॉर्म है, आप वेबसाइट बना के उससे SEO करवा के आप वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करके लीड जनरेट कर सकते हो सके तो पोर्ट डेटा के माध्यम से आप एनालिसिस करके भी क्लाइंट फाइंड कर सकते हो। ऐसे एक नहीं, 16 से 17 रास्ते हैं बायर फाइंडिंग को लेके, पर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 16 से 17 रास्ते आपको बताना, उसके रिलेटेड अलग वीडियोज हमने यूट्यूब चैनल पे बनाए हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ डिटेल में, प्लास्टिक आइटम आप आगे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। सबसे पहले प्लास्टिक आइटम आप एक्सपोर्ट कर सकते हो USA में, कनाडा में, यूरोप फ्रांस में, गल्फ रीजियन में, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग, ये सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया प्लास्टिक की आइटम्स, जिसमें छोटे मोटे डिब्बे से लेके किचनवेयर आइटम्स से लेके प्लास्टिक की एसेसरीज से लेके कोई भी आइटम प्लास्टिक के रिलेटेड जो होती है, छोटी मोटी जो हमारे किचन में यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, मोबाइल कवर्स होते हैं, प्लास्टिक की बैग्स होती है, तो ये सारी प्लास्टिक की रिलेटेड काफ़ी सारी आइटम्स आज के दिन इंडिया से काफ़ी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप अगर प्लास्टिक एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो क्लाइंट इस तरह से ट्रेड फेयर के थ्रू मिल सकते हैं, इतने कंट्रीज बताए वो कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो ये सारी प्रोसीजर आप ए से लेके जेड तक फॉलो करके प्लास्टिक इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो।
ऐसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आज के दिन हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वो लोगों के साथ जिसको ऐसे वीडियोस की जरूरत है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।